यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि लिमिट आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म की लिमिट दी गई है, आपको बताना है कि एन की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे पता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की लिमिट होती है। इसकी वैल्यू होती है एन ए टू द पावर एन माइनस वन। तो ये इसी फॉर्म की है, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी क्या है, एन की वैल्यू तो एन है लेकिन ए की वैल्यू जो है ये टू है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपकी हो जाएगी एन ए टू द पावर, दैट मीन्स टू टू द पावर एन माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू 80। अब यहाँ पे आपको एन की वैल्यू सोचनी है। तो आप यहाँ पे कोई ये देखिए, ये आपकी ऐसी ये इक्वेशन है जो हाइब्रिड इक्वेशन है, जिसमें आपका क्या है एल्जेब्रिक टर्म भी है एन, और आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट भी है। तो आपका जब सिस्टम में ऐसी चीज़ें होती हैं एल्जेब्रिक भी हो एक्सपोनेंशियल भी हो, तो वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको 1 2 3 4 5 चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार एन की कौन सी इंटीग्रल वैल्यू इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर हम एन की वैल्यू 1 डाल दें, ठीक है, हिट एंड ट्रायल है तो आपको चेक करना ही होगा और आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो एन की वैल्यू अगर 1 डाल देते हो तो 1 × 2 to the power क्या हो जाएगा आपका, एन इंटू 2 to the power 1 माइनस 1। तो ये तो आपका आपका 1 आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी 80 है, तो ये उसके बराबर नहीं होगा। अगर हम लोग एन की वैल्यू 2 डाल दें, ठीक है, तो आपका 2 × 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 2 × 2 की पावर 1 दैट मीन्स 2, ये 4 आ जाएगा। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एन की वैल्यू 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप चेक करते जाओगे तो आपको मिलेगा एन की बार एन की वैल्यू जो 5 है, अगर आप प्लेस करते हो तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 5 × 2 to the power 5 माइनस 1 एंड इट बिकम 5 × 2 to the power ये आपका हो जाएगा 4, दैट इज़ 5 × 16 दैट इज़ 80। तो ये आपके इसकी वैल्यू 80 आएगी, इसका मतलब दैट इज़ इक्वल्स टू RHS। मतलब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो अरे सॉरी, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो n इक्वल्स टू 5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।